गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपकी सुपरविजन की क्लास बिजनेस स्टडीज में चल रही थी, आपको पता होगा। सुपरविजन, मैंने आपको बताया था सुपरविजन के मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुपरविजन का क्या इंपॉर्टेंस है, या आप ये भी कर सकते हैं एक सुपरवाइजर का काम क्या होता है। ये दोनों ही चीज मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाके देखिए, जिससे आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन या फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर। ठीक है, तो सबसे इसमें देखिए नौ हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स के अंडर में हम इसकी स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले देखिए हेल्पफुल इन डायरेक्ट। तो देखिए एक सुपरवाइजर क्या करता है, एक ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ काम को करने का डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन में वो किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये जो सुपरविजन है ये डायरेक्टिंग का इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना डायरेक्शन दूंगा तो उसको चेक करने के लिए सुपरविजन तो करना ही होगा। ठीक है, अच्छा सुपरविजन करना होगा, उस सुपरविजन से जो मुझे एक्सपीरियंस होगा, जो मुझे अनुभव होगा, उसका यूज मैं अगले डायरेक्शन देने में कर पाऊँ, जिससे मेरे डायरेक्टिंग टेक्निक में भी सुधार आएगा, साथ ही साथ मैं अच्छे से डायरेक्शन दे पाऊंगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक में चलते हैं, नियंत्रण में सहायक, हेल्प विद कंट्रोल। तो सुपरविजन में आप करते क्या, सुपरविजन में आप क्या करते हो, जो आपका एक्चुअल काम हुआ है उसको स्टैंडर्ड काम से कंपेयर करते हो। कंपेयर करने के बाद आप देखते हैं कि क्या वो काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं। इन केस नहीं हुआ है तो क्या खामियां हो गई थी, क्या कमियां हो गई थी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा की जाती है। ओके, तो एक सुपरवाइजर का ये भी काम है कि उसको कंट्रोल करे। या इंपॉर्टेंस ये है सुपरविजर का कि कंट्रोलिंग में सहायता दीजिए, संसाधनों का कुशलता उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब देखिए एक एम्प्लॉय को ये पता है कि अभी जो मैं काम करूंगा उसको आगे कोई चेक करेगा। इन केस वो वेस्ट कर देता है मटेरियल या ऐसे काम करता है जिससे आपके संसाधन अच्छे से यूज नहीं हो सकते हैं, तो वो अपने इस काम में इम्प्रूवमेंट लाए। वो कोशिश करेगा कि कोई भी सामान बेकार ना जाए या कोई भी सामान खराब ना हो, ऐसा वो कोशिश करेगा, करेगा ना कोशिश। तो इससे क्या होगा कि जो संस्था के संसाधन है वो अच्छे से यूज होंगे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल होगा। फोर्थ क्या है, निर्देशन व सूचना प्रवाह, फ्लो ऑफ डायरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अपने इंप्लॉय को इंफॉर्मेशन देता है। किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, इस बात की नहीं कि उनको कहां घूमना है या क्या करना है, कि संस्था में क्या काम करना है, इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। तो संस्था में लोगों को पता चलता है कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, ये डायरेक्शन एक तरह से सूचना भी पहुंचाता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इससे क्या होता है, सुपरविजन में आप देखते हो कि जो मैंने अपने इम्प्लॉय को आदेश दिया है या जो डायरेक्शन दिया है उसने उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, एक तरह से सूचना पर आदान प्रदान होता है। ठीक है, फीडबैक। तो देखो जो सुपरवाइजर होता है वो अपने
एम्प्लॉय की मैनेजमेंट की पॉलिसी, उसके रूल्स आदि की जानकारी देता है और संस्था के जो एम्प्लॉय है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, अब जब वो जाता है सुपरविजन के लिए तो उसको पता चलता है कि जो मैंने डायरेक्शन दिया था वो कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। साथ ही साथ एम्प्लॉय का सजेशन, एम्प्लॉय जो होता है वो अपना अनुभव भी शेयर करता है जिससे हमारे डायरेक्शन की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक हमें मिलता है। उस फीडबैक का यूज हम अगले डायरेक्शन में कर सकते हैं। डिसिप्लिन, एक एम्प्लॉय को जब पता होता है कि उसके काम को कोई जांचेगा, उसके काम को कोई चेक करेगा तो वो अपना काम अच्छे से करता है। इस और सब कोई अपने अपने काम पर ध्यान देता है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे आप अपने स्कूल में देख सकते हैं, आपको जब कहा जाता है कि अपनी कॉपी जाके चेक कराइए तो आप अपना कॉपी मेंटेन करते हैं। इनकेस आपको कहा ही ना जाए, आपसे मांगा ही नहीं जाए, आप शायद कभी कॉपी ही ना, ठीक है। तो स्कूल में भी देखिए जगह जगह पे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन इसलिए भी आवश्यक है ताकि एक जो वर्क स्ट्रक्चर है वो बना, संस्था में अराजकता ना पैदा, संस्था में खराब माहौल ना पैदा। आइए अभिप्रेरणा का माध्यम मीन ऑफ मोटिवेशन, जो मैनेजमेंट है वो काम को इस प्रकार डिवाइड करता है कि सबका काम एक दूसरे पे बेस हो जाता है। बेस होने से जो एम्प्लॉई है वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर समझता है, ठीक है, एक अंग समझता है और काफी अच्छे से काम करता है। इससे वो मोटिवेट होता है और भी अच्छे से काम करते हैं। तो वर्क का डिवीजन जो होता है उसके वजह से भी एक एम्प्लॉई अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट होता है। साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि हमारे काम को जब चेक किया जाएगा तो इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, उन चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। तो इससे वो काम करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होगा। आगे देखिए इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए जब सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है या ऑर्डर देता है, ठीक है, तो ये वो ये सुनिश्चित करता है, ये कंफर्म करता है कि सभी निर्देशों, सभी डायरेक्शन और सभी ऑर्डर को एम्प्लॉई अच्छे से समझ गए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है वो एम्प्लॉयज के दिमाग में कायदे से बैठ गया है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। तो इससे वह ये देख देखिए वो क्या करता है कि जब वो सुपरवाइजर का काम करता है, जब सुपरविजन का काम करता है तो वो एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच जो टाइम गैप होता है ना कम्युनिकेशन का, उसको हटाने की कोशिश करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है जिससे कम्युनिकेशन में सुधार और सामूहिक एकता बनाए रखना, मेंटेन ग्रुप यूनिटी। तो ग्रुप यूनिटी कैसे बनी रहती है, देखो जो एक ऑफिसर के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं वो एक ऑफिसर से डायरेक्शन रिसीव करते हैं, सबका काम एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो एक ग्रुप में काम करने से उनके अंदर यूनिटी की भावना पैदा होती है और वो छोटे मोटे झगड़ों को अवॉइड करते हैं या आपस में ही सुलझा देते हैं। तो एक संस्था की एक यूनिटी मेंटेन होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इनकेस नहीं समझ में आया तो आप उससे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।